नमस्कार दोस्तों, मैं कल्पना बोंडेकर बोंडेकर्स किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज हम बनाने वाले हैं वेज पास्ता, जो कि बहुत ही टेस्टी बनने वाला है, जिसमें हम चीज का यूज करने वाले हैं और बहुत सारे वेजेस डालने वाले हैं, कैप्सिकम डालने वाले हैं कलर कलर की, जो कि बहुत ही कलरफुल बनने वाला है और लगता भी बहुत टेस्टी है। तो फिर चलिए हम पास्ता बनाते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हमें पॉट में पानी उबाल लेना है और उसमें एक चम्मच तेल डाल देना है और एक चम्मच उसमें नमक डाल देना है और उसमें फिर पास्ता डाल देंगे हम। मैंने इसमें 200 ग्राम पास्ता लिया है। बस 5 से 7 मिनट इसे उबाल लेना है और देखना है और कि थोड़ा सा बॉईल हो गया तो फिर इसे हम निकाल लेंगे और उसमें ऊपर से फिर से एक चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसे मिला लेंगे, जिसके कारण पास्ता एक दूसरे को चिपकेगा नहीं और इसे साइड में रख देंगे। अब हमें कढ़ाई में 2 से 3 टीस्पून ऑयल लेना है और उसमें हरी मिर्ची डाल देंगे चॉप करके और फिर बाद में गार्लिक डाल देंगे। चॉप किया हुआ गार्लिक है, 8 से 10 कलियाँ मैंने इसमें डाली है। और फिर बाद में अनियन डाल देंगे, इसे भी गोल्डन कलर का होते तक इसे थोड़ा सा भून लेना है हमें ऑयल में। और फिर कैरेट डाल देंगे, कैरेट सबसे पहले डालेंगे क्योंकि कैरेट को सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस तरह इसे मिला लें और 2 से 3 मिनट इसे भूनने दें। और उसमें फिर मैंने आधा कप से ज़्यादा थोड़ा टमाटर डाला है और इसे अच्छे से सॉफ्ट होने देंगे। सॉफ्ट होने के लिए इसमें मैं लीड लगा के रख दूँगी, ढक के रख देंगे इसे और 4 से 5 मिनट इसे पका लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर हम जो हमारे पास जो शिमला मिर्च है वो डाल देंगे। मैंने इसमें 3 कलर की शिमला मिर्च डाली है, आप हरी कलर की भी डाल सकते हैं। इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ कलर का फ़र्क पड़ता है। बढ़िया इसे मिला ले अच्छे से। अब हम इसमें अपना पास्ता डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना, बिल्कुल कलरफुल पास्ता। और इसमें हम अभी पास्ता मसाला डाल देंगे, पूरा 1 पैकेट डाल देना है हमें। इसे मिला लेना है अच्छे से, बढ़िया। अब हम इसमें ग्रीन सॉस डालेंगे और रेड चिली सॉस डालेंगे और सोया सॉस डालेंगे। 1-1 चम्मच मैंने डाल दिया है, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। और फिर नमक डाल देंगे अपने स्वादानुसार, मैंने इसमें 1.5 टीस्पून नमक डाला है और इसे अच्छे से मिला लें। और फिर बाद में लास्ट में बटर, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 क्यूब बटर आप ज़रूर डालें, टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और ये देखिए हमारा पास्ता लगभग बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें चीज़ डाल देंगे, चीज़ ग्रेट करके डाल दें और मिक्स कर ले और गर्मा गर्म परोसे। तो फिर खाइए, खिलाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने अभी जो रेसिपी देखी वो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।